अच्छा वो गाना याद है आपको, गजर ने किया है इशारा। आई टेल यू दिस इज लाइक द कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, चाहे वो फिल्म हो या फिर छोटा पर्दा। भैया आने वाले संकट का संकेत जब तक ना आ जाए कहानी आगे बढ़ती नहीं। अब सीरियल साथिया को ही ले लीजिए, गहना और आनंद को लगा है 440 वोल्ट का झटका, आने वाले संकट का संकेत। गहना से प्यार नहीं करता है लेकिन वो एक अच्छा दोस्त है ये जताने की हमेशा कोशिश करता है। ये गहना के साथ कभी वो गोलगप्पे खाता है तो कभी ये घर में तोहफा आता है। अब ये तोहफा तो बड़ा ही खूबसूरत है, ये गहना और अनंत की तस्वीर इसमें है, लेकिन ये क्या, ये गहना और अनंत के बीच ये दरार कैसी? गिफ्ट तो सबको अच्छे लगते हैं लेकिन जब यही ना पता हो कि गिफ्ट भेजा किसने है तो फिर यू नो एक सस्पेंस भी रहता है कि यार कौन है ये सीक्रेट एडमायरर। अब वो गिफ्ट देख के हम खुद शौक है ये किसने भेजा है हमें, तो बस वही सोच रहे हैं अब। हाँ और गिफ्ट तो दिया ही है पर एक मैसेज भी लिखा है कि बहुत जल्द मुलाकात होगी, तो वो और भी सस्पेंस है। अब ये फोटो फ्रेम का शीशा सच में टूटा है या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है? अब डेली सोप है इतना तो हम जानते हैं कि किसी ने जानबूझकर ही किया है। ये गहना तो चालाक बहुरानी है, वो समझ गई है कि जरूर कोई मुसीबत आने वाली है इन दोनों के रिश्ते पर। ये सच होता है, कहा जाता है घर में जो भी कांच की चीजें होती है उसमें दरार नहीं होनी चाहिए और उसे रखा नहीं जाता है, वो बहुत अपशगुन होता है घर के लिए। और हमारे तो फोटो फ्रेम में और वो भी कट टू कट हमारे बीच में ऐसा दरार है, तो मुझे डर लगता है कि ये क्या है, मतलब ये क्या संकेत है कि हम दोनों के बीचों बीच वो दरार है और वो भी कांच पे दरार है। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि जिसने भी भेजा है, पर ये बहुत बड़ा अपशगुन है, शुभ नहीं होता ऐसे रखना। तो बस ये वही कह, ये मानते नहीं एक्चुअली क्योंकि ये बाहर से आए हैं, ये बिलीव नहीं करते सारी चीज़ों में। अब गहना शुरू हो जाइए जासूसी करने में, क्योंकि कोई है जो आ गई है आपके और अनंत के इस बनते रिश्ते को बिगाड़ने के लिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।